नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों एक नई खबर सामने आ रही है जिसमें कि इजिप्ट यानी कि मिस्र अब चाइना से उनके HQ-17AE मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वही इजिप्ट है यानी कि वही मिस्र है जो भारत से तेजस की तकनीक मांग रहा है और मिस्र के साथ भारत तेजस डील की बात भी कर रहा है। ऐसे में अब चाइना के साथ मिस्र के संबंध वैसे किसी से छिपे नहीं, अब ये खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक वेबसाइट है टेक्टिकल रिपोर्ट, उसमें खबर आई है कि मिस्र चीन के साथ HQ-17AE एक मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली को हासिल करने के लिए बातचीत करना शुरू कर चुका है। हालांकि ये जो HQ-17AE है वो चाइना निर्मित HQ-17A का निर्यात संस्करण है। मिस्र और चीन के बीच राजनयिक संबंधों को 62 साल हो चुके हैं। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI को आगे बढ़ाया और BRI प्रोजेक्ट के ढांचे में मिस्र से भी सहयोग लिया और 2014 में मिस्र के जो नए राष्ट्रपति थे सीसी ने चीन का दौरा किया और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक और रणनीतिक स्तर पर बढ़ाने के लिए साझेदारी की। 2016 में मिस्र के राष्ट्रपति ने अपना एक मिस्र विजन 2030 यानी कि इजिप्ट विजन 2030 नाम का एक नया राष्ट्रीय विकास की रणनीति शुरू की जिसमें कि चीन और मिस्र दोनों ही रणनीतिक क्षेत्रों में काम करेंगे। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री में भी जाते हैं दोस्तों। 1970-1980 के दशक में चीन ने मिस्र को B-6 बम वर्षक और F-6 लड़ाकू विमान दिए और मिस्र को MiG-23 भी चीन ने दिए। मिस्र की नौसेना को 1980 के दशक में चीन से पनडुब्बी, युद्धपोत सहित कई जहाज में मिले थे। और यही नहीं, चाइना ने मिस्र को अपनी मिसाइल प्रणाली विकसित करने में मदद की। आपको बता दें कि चाइना के द्वारा निर्मित AS-209 ड्रोन का लाइसेंस उत्पादन भी मिस्र में किया गया है। अब बात करते हैं HQ-17AE की जिसे कि मिस्र खरीदने वाला है। दरअसल ये HQ-17 का निर्यात संस्करण है, मैंने आपको बताया ये सभी मौसम में काम कर सकता है और ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा मिसाइल प्रणाली है जिसे चीन की CPMEC के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये HQ-17 ट्रैक किए गए चेसिस पर आधारित है जबकि HQ-17A 6x6 ट्रक चेसिस पर आधारित है। HQ-17A एक पहियेदार ट्रक चेसिस पर आधारित है और इसे मिसाइल लॉन्चर स्टेशन और एक रडार सिस्टम से लैस किया गया है। इसमें कुल 16 मिसाइलें हैं जो वर्टिकली लॉन्च हो सकती हैं। HQ-17A की मिसाइल में अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 15 किलोमीटर तक फायरिंग रेंज है। इसका इस्तेमाल कई तरीके के एरियल थ्रेट्स के खिलाफ जैसे कि हेलीकॉप्टर, UAV, क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, इनके खिलाफ किया जा सकता है क्योंकि ये सिस्टम इन्हें आसानी से डिटेक्ट, ट्रैक और खत्म कर सकता है। तो ये है दोस्तों मिस्र और चीन की दोस्ती का एक जीता जागता उदाहरण। और अगर आप तेजस की डील करते हैं मिस्र के साथ और मिस्र ने कंडीशन रखी है आपके सामने कि भैया हमें तकनीक पूरी चाहिए और अगर आप दे देते हो तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा क्योंकि ये तकनीक चाइना पहुंचाएगी और आसानी से पहुंचेगी। जिस तरीके से चाइना लगातार सेंधमारी कर रहा है, दुनिया के कई सुरक्षा प्रतिष्ठानों में वो सेंधमारी कर चुका है। कभी वो रिटायर फाइटर जेट्स के पायलट्स को मोटा पैसा देकर उनका इस्तेमाल अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए कर रहा है, साइबर सुरक्षा में सेंधमारी करके डेटा चुरा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जियोपॉलिटिक्स लेवल पर ध्यान रखकर फैसला किया जाना चाहिए क्योंकि मिस्र के साथ अगर हम डील करते हैं तो ये कंडीशन हमारे लिए घातक हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।